हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। टुडे वी विल लर्न अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की एक ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, इसमें अलग अलग लिगेंड को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेनली हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, लिगेंड की स्ट्रेंथ को प्रिडिक्ट करने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से, व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक। देखिए, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा समरी बताती हूँ। कुछ ऐसे समझिए कि एक लड़का है संकल्प, वो बार से आ रहे हैं, ठीक है, बार जा रहे हैं, मीन्स वहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो बार से अगर वो आ रहे हैं तो उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, नसों में लिखा है, तो नस होती हैं क्या हमारी, वेन्स। वेन्स में यू नो जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि क्या आप जानते हैं, तो वो वाला यू नो है, लिखा मैंने हिंदी में है ताकि वो एक से ले रहे। तो यू नो हाई ऑक्सीजन ली उसने, वेन्स में ऑक्सीजन ली, क्योंकि उसने बार में कुछ रॉन्ग चीज़ यूज़ कर ली थी, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो ये कुछ ट्रिक ऐसी है। ओ मतलब वो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ओ आया बार से, जैसे हम कह सकते हैं वो आया बार से, फिर इसके बाद कॉमा, और कौन आया बार से, संकल्प। संकल्प ने फिर क्या किया, उसके संकल्प ने फिर नसों में, मैं साइलेंट हो जाएगा, मैं यू नो हाई ऑक्सीजन ली। तो अब ये जो हमने न्यूमोनिक्स बनाया है, इसमें क्या क्या सिंबल यूज होंगे, ओ जो है वो इंडिकेट करता है, ओ ओ टू टू निगेटिव को, और ये ओ टू टू निगेटिव परोक्साइड है, परोक्साइड लिगेंड को इंडिकेट करता है। उसके बाद है आया, आया मीन्स आयोडीन, आई निगेटिव, तो सबसे वीक लिगेंड होता है परोक्साइड, और इससे थोड़ा पावरफुल लिगेंड है आई निगेटिव। फिर है बार, बार यूज़ किया जाता है ब्रोमीन के लिए, बी आर निगेटिव, बार से का मीनिंग है सल्फर, सल्फाइड, सॉरी नॉट सल्फर, इट्स सल्फाइड, एस टू निगेटिव। तो ये हो गया ओ ऑक्साइड, परोक्साइड सॉरी, आया आयोडीन, बार बी आर से, बार से आया, फिर क्या हुआ, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसे प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर उसको क्या हुआ, ऑक्सीजन की, हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई। तो संकल्प, ये जो संकल्प है इसमें दो लिगेंड एक साथ इंक्लूडेड हैं, एक तो है संक, एस सी एन निगेटिव, संक एस सी एन निगेटिव, कल सी एल निगेटिव, तो संकल्प में पूरा नाम आ जाएगा सन एस सी एन और कल्प। फिर है ने, ने जो है वो नौ शब्द मीन्स एन से इंडिकेट कर रहे हैं, और एन में हम ने के लिए यूज़ किया जाएगा एन थ्री निगेटिव के लिए, ने, और एन थ्री निगेटिव होता है एजाइड, ठीक है। तो संकल्प एस सी एन सी एल और ने एन थ्री निगेटिव। उसके बाद है फिर जो है वो एफ निगेटिव, फ्लोराइड लिगेंड को इंडिकेट कर रहे हैं। नसों जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहे थे कि नसों को अगर हम जैसे इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे नॉर्मल हिंदी का इंग्लिश कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे एन एस ओ, लेकिन कभी कभी आपको पता है सौ के लिए सी यूज़ भी होते हैं, तो नसों में हो जाएगा एन सी ओ, एन सी ओ निगेटिव, या आइसोसाइनेट होता है, आइसोसाइनेट लिगेंड। उसके बाद मैं जो है मैं का साइलेंट करेंगे, मैं यू नो, यू शब्द में, यू नो शब्द में दो लिगेंड आ रहे हैं, एक तो यू मीन्स होता है यूरिया, एक हो रहा है यूरिया, और नो
शब्द की अगर आप ध्यान से देखेंगे यू ओ नो तो ओ शब्द आ रहा है, ओ नो, और ये जो है ओ एन ओ। देखिए वैसे ये नाइट्रो ही होता है, लेकिन अगर ओ पहले, आपको पता है नाइट्रो जो है एन ओ टू, ये एन ओ टू ही है। एन ओ टू दो तरीके से जुड़ता है, एक तो नाइट्रोजन के थ्रू और एक ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है इसलिए ऑक्सीजन पहले लिखा है, तो इसको हम नाइट्रो ओ भी कह सकते हैं, नाइट्रो ओ, या फिर दूसरा नाम इसका नाम होता है नाइट्राइट। ठीक है, तो ये हो गया यू मीन्स यूरिया और ओ नो, यू नो ओ नो आ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा नाइट्रो ओ। फिर हाई, फिर आ रहा है यू नो हाई, हाई मतलब जैसे हम ज्यादा कहते हैं, तो हाई से आ रहा है हाइड्रोक्साइड, ओ एच निगेटिव, हाइड्रोक्साइड, हाई हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन में ओ टू नहीं है, ऑक्सीजन में वर्ड आता है ऑक्सोलेट, विच इज हु इज ऑक्सोलेट, सी टू ओ फोर टू निगेटिव, ऑक्सो आया, ऑक्सी ऑक्सी आया ना, तो ऑक्सी में आ जाएगा ऑक्सो, ऑक्सो होता है सी टू ओ फोर टू निगेटिव। और दूसरा जो इसमें शब्द एक वर्ड आ रहा है ये है जन, ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो जो से हो जाएगा जो और ली, जल, जल क्या होता है, जल होता है क्या, वाटर, एस टू ओ। तो ये आया, इतना हमें याद कर लिया। सबसे वीकेस्ट लिगेंड है परोक्साइड, ओ टू टू निगेटिव, ओ आया बार से, संकल्प ने फिर नसों में यू नो हाई ऑक्सीजन ली, ये तो आपको याद हो जाएगा, ऑक्सी ऑक्सोलेट और जली, ये हो जाएगा जल, वाटर। अब यहाँ तक, अब इससे आगे वाटर से ज़्यादा किसकी होती है स्ट्रेंथ लिगेंड की, तो हम देखते हैं। फिर है वाटर से ज़्यादा होता है जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो स्टेंजा है, थोड़ा सा अलग है, बट क्योंकि ये जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है काफ़ी लेंदी है, तो एक स्टेंजा या एक न्यूमोनिक्स इसमें काम नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा मैच करे। तो पहले जो हमने न्यूमोनिक्स बनाया था ये तो मैच कर रहा है, यहाँ से स्टेंजा बदलेगा। अब स्टेंजा कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई है निशा मिस है, निशा मैम है, ये झगड़ रही थी अमीन से, अमीन सैफी कोई था उससे झगड़ रही थी, तो लिखा है, हम कहते हैं ना जैसे गले पड़ना, गले अड़ गई, गले पड़ गई, तो गले पड़ना मतलब वो नहीं, झगड़ा कर रही है, तो ये आ जाएगा निशा मिस गले अड़ पड़ी, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना अड़ गया वो, तो अड़ पड़ा भी बोलते हैं कभी, तो वैसा ही है, निशा मिस गले अड़ पड़ी अमीन सैफी के, उससे कुछ झगड़ा हो रहा होगा तो उसे गले अड़ पड़ी हो, अड़ पड़ी अमीन सैफी के साइलेंट है, तो फिर क्या होगा, बाप रे, जैसे हम कहते हैं ओ माई गॉड बोलते हैं वैसे है, बाप रे, फिर नो ट्रॉफी सी पी सिंह को। अब ये जो है अमीन सैफी कुछ काम करने जा रहा था, ट्रॉफी देने जा रहा था, सी पी सिंह है कोई, उसको ट्रॉफी देने जा रहा था, लेकिन इतने में ही कौन आ गई, निशा मिस, वो झगड़ने लग गई, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, झगड़ा हुआ तो ये आपस में इन्होंने क्या किया, इससे झगड़ा हुआ तो जो काम करने जा रहा था उसने काम नहीं किया, तो यही लिखा है निशा मिस गले अड़ पड़ी अमीन सैफी के, फिर लिखा है बाप रे, फिर नो ट्रॉफी सी पी सिंह को, उसके बाद कोई ट्रॉफी नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि ये जो न्यूमोनिक्स है किन किन लिगेंड को इंडिकेट करता है, तो निशा जो है वो इंडिकेट करता है एन सी एस को, आइसोथायोसाइनाइट, एन सी एस निगेटिव, इसकी स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है। मिस जो है वो मिथाइल के लिए यूज होता है, लेकिन मिथाइल के साथ साथ कहीं कहीं लिखा रहता है मिस, मी से हो जाएगा मिथाइल और सौ से हो जाएगा सी एन, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एन, चाहे तो आप ये लिखें या फिर सी एच थ्री निगेटिव लिखें। मिस गले, ये गला क्या है, गले है ग्लाइसिनेट, जिसे हम ग्लाई लिखते हैं, ग्लाइसिनेट एक लिगेंड है जो होता है एन एच टू सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, ये ग्लाइसिनेट एक लिगेंड है, चीलेटिंग लिगेंड है, ग्लाई। फिर लिखा है अड़, अड़ का मतलब क्या है, एडेटा, ई डी टी ए एडेटा, अड़, ये हो गया अड़। फिर है पड़ी, पड़ी में एग्जैक्ट तो नहीं है बट जैसे हम बोलते हैं ना जब हम पी आर आई लिखते हैं तो उसको भी हम आर को भी हम ड पढ़ते हैं तो परी, परी भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा पिरीडीन, पिरीडीन, तो पड़ी वर्ड जो है वो पिरीडीन को इंडिकेट करता है। तो यह है निशा मिस गले ग्लाई ग्लाइसिनेट अड़ एडेटा इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसीटेट पड़ी पिरीडीन।
फिर है उसके बाद अमीन, अमीन में दो वर्ड हैं, एक तो है अमी, अमी किसको बोलते हैं, अमोनिया को, अमोनिया, और दूसरे अमीन, ईन, ईन होता है इथाइलीन डायमीन। वैसे पिरिडीन, अमोनिया और इथाइलीन डायमीन तीनों में एनएच टू ग्रुप पाए जाते हैं, तो इनकी इनकी स्ट्रेंथ जो होती है लगभग इक्वल रहती है। इसके बाद अमीन सैफी, अब ये सैफी क्या है, अमीन पूरा नाम है इसका, अमीन अमीन सैफी, सैफी होता है सल्फेट, सैफी जो यूज़ किया गया है यहाँ पर सल्फेट के लिए नहीं, सल्फाइट के लिए यूज़ किया गया है, सल्फाइट होता है SO3 2- सैफी हो जाएगा सल्फाइट। फिर है के, के साइलेंट होगा, के का कोई मीनिंग नहीं है। फिर आया है बापरे, बाप बीपी, बाई पिरिडीन, है ना, बा बा मी, बा मीन्स बाई, प मीन्स पिरिडीन, बाप रे, रे फिर साइलेंट हो जाएगा। और उसके बाद है फिर वर्ड यहाँ पर फिनेंथ्रोलीन के लिए यूज होता है, फिनेंथ्रोलीन, ये भी एक इंडिकेटर का काम कर रहा है, सॉरी नॉट इंडिकेटर, ये भी एक लीगेंड है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बाईपिरिडीन से थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो कहीं कहीं अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी लिखा जाता है। फिर फिनेंथ्रोलीन नो, नो वर्ड जो है वो नो इंडिकेट करता है NO2 को, देखिए NO2 ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आया था NO2, लेकिन यहाँ लिंकेज क्या है, यहाँ O से जुड़ा होगा, ये लिगेंड जो होता है नाइट्रो, ये O से लिंकेज है, और यहाँ पर N लिखा है, तो यहाँ पर लिंकेज किससे होगा, NO2 नेगेटिव। नो ट्रॉफी, अब देखिए ट्रॉफी क्या है, ट्रा से क्या आ रहा है, ट्रा मीन्स तीन, फी मीन्स फिनाइल, तो यहाँ पर आ जाएगा PPS3, इसको बोलते हैं ट्राई फिनाइल, ट्राई हो जाएगा ट्रा और फी हो जाएगा फिनाइल, तो ट्राई फिनाइल फॉस्पिन को हमने ट्रॉफी लिख दिया। उसके बाद आया है CP सिंह, तो CP क्या हो जाएगा, CP साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है साइक्लोपेंटाडाइनाइल। उसके बाद सिंह, सिंह जो है अगर हम देखें तो सिंह में आ रहा है C9 सिंह, है ना, सिंह को अगर ओपन करें तो SING आ रहा है, तो सीन आ रहा है, तो ये हो जाएगा सिंह को क्या हो जाएगा CO, तो सॉरी कार्बन भी बड़ा और ऑक्सीजन भी बड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CN होता है, CN नेगेटिव साइनाइड, और CP आपको पता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मीन्स C5H5 का होल ट्वाइस, ठीक है Fe के साथ जुड़ा रहता है जनरली। तो ये हमारी जो ट्रिक है, तो हमने ये ट्रिक एक बार कंप्लीट हो कर ली है, तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक कुछ ऐसी है, ओ आया बार से, वो आया बार से, संकल्प ने, फिर नसों में साइलेंट, यू नो, हाई ऑक्सीजन ली, फिर इसके बाद न्यूमोनिक्स बदलेगा, निशा मिस गले, अड़ पड़ी किसके, अमीन सैफी के, फिर क्या हुआ, अब जब अमीन सैफी को गुस्सा आया तो बाप रे, फिर नो ट्रॉफी CP सिंह को, फिर तो कुछ होना था ही नहीं, जो ट्रॉफी वो देने जा रहा था फिर नहीं मिली CP सिंह को। तो आज हमने ये ट्रिक्स बनी हैं, शायद आप मुझसे नाराज़ भी होंगे कि मैं आज बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, एक्चुअल में थोड़े मैं पेपर्स में बिजी थी, तो मैं आज बहुत टाइम बाद ये ट्रिक लेके आई हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी, बट इसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो मेरे आते रहेंगे विद इन 3 to 4 days। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। तो तब तक के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।